हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। यार तो दोपहर का टाइम है, 12:30 बज चुके हैं और आयुष आदित्य भी मेरे स्कूल चले गए हैं। अभय का भी कॉलेज चालू हो गया है, हालांकि उनका कॉलेज बंद हो गया था एग्ज़ाम के वजह से। तो बाकी लोगों का जो एग्ज़ाम था वो एग्ज़ाम चल रहा था, जिनका कॉलेज बंद हो गया था वापस चालू हो गया, आज कॉलेज गए हुए हैं। और मेरा काम अभी कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ खाना और कपड़ा हुआ है। और खाने में भी सुबह दाल चावल रोटी वगैरह बना ली थी, सब्जी रात की बची हुई थी तो मैंने सब्जी नहीं बनाई। तो अभी मैं चने और आलू की सब्जी बना रही हूँ। बनाते बनाते मैंने सोचा आप लोगों के साथ वीडियो भी मतलब ब्लॉग भी अपना स्टार्ट कर दूँ और आप लोगों को बता दूँ फ्रेंड कि मतलब अपना नवरात्र दशहरा सब ख़त्म हो गया है, अब आ रहा है करवा चौथ। तो करवा चौथ की तैयारी आप लोगों की कैसी चल रही है बताइएगा ज़रूर, और मुझसे भी शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में या वीडियो के जरिए, जैसे होगा बताइएगा और मैं भी आप लोगों से बताऊंगी, शेयर करूंगी। तो जिनको नहीं पता होगा उनको बता दूँ कि 1 तारीख को करवा चौथ है, तो करवा चौथ की तैयारियाँ आप लोग धूमधाम से शुरू कीजिएगा और तैयारियाँ खरीदारियाँ कीजिए, शॉपिंग कीजिए, जो करना है वो कीजिए। और मैंने भी अपनी तैयारी कुछ कुछ शुरू कर दी है। अभी मतलब जो पूजे पाठ का चीज़ है वो सब अभी नहीं हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ यार मैं जब तक ये 2-3 दिन का दिन है ना, तब तक मैं अपने घर का क्लीनिंग का काम कर लूँ। क्योंकि क्लीनिंग, देखिए क्लीनिंग तो हमेशा होता ही रहता है फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन जो दिवाली की क्लीनिंग होती है, साफ सफाई होती है कोने कोने तक का, वो सोच रही हूँ कुछ कुछ जो है शुरू कर दूँ जितना होता है। क्योंकि मैं अकेली हूँ, मेरे बच्चों का ओरल चल रहा है और एग्ज़ाम अभी चालू होने वाला है, ओरल के बाद एग्ज़ाम ही चालू होगा, तो मुझे मेरे बच्चे मुझे हेल्प नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आदित्य बोल दिए हैं कि मम्मी मेरा हेल्प आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे पढ़ना है, एग्ज़ाम देना है, तो मैं क्यों बच्चों को फोर्स करूं। इसके लिए मैं सोच रही हूँ यार थोड़ा थोड़ा करूँगी ना, तब तो दिवाली तक तो हो ही जाएगा, कर ही लूँगी। और आप लोगों को एक मिनट सब्जी देख लूँ वरना जल जाएगी यार। तो आप लोगों को पता ही है कि फ्रेंड मेरे घर में ना बहुत सारे ड्रॉवर्स, कबर्ड और बुक सेल, शूज, ऐसे ऐसे मतलब बहुत ऐसे मतलब सेल्फ है, और ये है रैक है जो मुझे एक एक करके अगर एक एक दिन में मैं एक साफ करती हूँ ना, तो भी दिवाली तक मेरी क्लीनिंग हो जाएगी। तो मैं अपने बेडरूम से, मैं सोच रही हूँ कि अपने बेडरूम से शुरू कर दूँ और अपने एक दिन बेडरूम का, फिर मंदिर का, फिर हॉल एरिया का, फिर अपना किचन का, फिर बच्चों के रूम का, ऐसे ऐसे मुझे साफ करना पड़ेगा। क्योंकि मैं अकेली हूँ, मुझे ही टोटल घर का काम करना है, तो एक दिन में तो मैं कर नहीं पाऊँगी, 2 दिन में भी नहीं कर पाऊँगी, ये कम से कम 5 से 6 दिन आई, 1 हफ्ता मान के चलो, 1 हफ्ता पूरा नीचे ऊपर हर एक चीज़ का सफाई करना है, तो 1 हफ्ता तो अकेली हूँ तो 1 हफ्ता तो लगेगा ही। हर साल बच्चों का सपोर्ट मिलता था, लेकिन इस बार मुश्किल है, लग नहीं रहा है कि मिल पाएगा। अगर मिलेगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो क्या कर सकती हूँ, फोर्स नहीं कर सकती, क्योंकि बच्चों का पेपर है तो पढ़ना भी ज़रूरी है। तो बस और क्या बताऊँ फ्रेंड। और हाँ पूनम सिस्टर, आपने पूछा था कि भैया जी के मतलब मेरे हस्बैंड की, मेरे मिस्टर जी की मतलब बिल्डिंग कैसे टूट गई, क्या हुआ था। तो फ्रेंड मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि वो मिस्टर से जुड़ी है, अपने उनके बिजनेस की बात है, तो मैं इतना नहीं कुछ बोलूँगी। लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगी कि ये मतलब 6 महीने में ये घटना हमारे साथ 2 बार घट चुकी है। और दूसरी बात है कि हाय मुझे बहुत लोगों की लग रही है, समझ में नहीं आ रहा कि लोग क्यों हाय 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 करते रहते हैं, क्यों मतलब मेरा कंपेयर करते हैं, क्यों मुझे देख के जलते हैं। मेरे ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में थोड़ी सी खुशियाँ नहीं आती है कि लोगों से बर्दाश्त नहीं होता है, कहते हैं तुम्हारा दांच कौन करेगा, तुम्हारा दांच कौन करेगा, तुम्हारे पास जो है वो तो हम नहीं कर पाएंगे। और ये मैं बात बता दूँ ना फ्रेंड, मुझे बहुत तकलीफ़ होता है जब ये
कहा जाता है हम लोगों के कि तुम्हारा दाज। अरे हमारा दाज तो मैं जानती हूँ, जहाँ तक कि हमारा दाज किस चीज में नहीं होता है, हर चीज में लोग करते हैं। मेरे मेरे परिवार, मेरे घर वाले ना हर चीज में दाज करते हैं, मेरे कपड़े में, मेरे गहने में, मेरे सामान में, मेरे घर से लेके प्रॉपर्टी तक, रूम से लेके हर एक चीज में दाज किया जाता है, हर एक चीज में कंपेयर किया जाता है। उसका वो बन गया तो हमें बनाना, उसने वो कपड़ा, ऐसा कपड़ा साड़ी पहना तो हमें भी वैसा ही लेना, उसने ये गहना बनाया, ये ऐसा बनाया, इतने तोले का बनाया तो इतने का बना, हमें भी वो करना है। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ, मैं नाम नहीं लूंगी लेकिन यही पूछना चाहती हूँ कि हर चीज में हमारा दाज किया जाता है, किस चीज में हमारा दाज नहीं किया जाता है। दूसरी बात है कि ये कहा जाता तुम्हारा दाज, तुम जितना जितना तुम कर लोगे, जितना तुम बना लोगे, उतना हमारा हम लोग नहीं कर पाएंगे। देखिए मैं जो भी बोल रही हूँ झूठ नहीं बोल रही हूँ, बिल्कुल सच बोल रही हूँ। और ये सही बात है कि मेरे ही ज़िंदगी में मेरे ही मेरे अपने ही लोग ऐसे मुझे बोलते हैं, ऐसे कहते हैं, ऐसे सराबते हैं, ऐसी बद्दुआ देते हैं जो मुझे लग जाती है। सच में बताऊँ तो मुझे लग जाती है, नहीं तो आप ही लोग सोचिए कि 10-15 साल से मेरे मिस्टर ये काम कर रहे हैं, 10-15 साल में ये घटना कभी नहीं घटी। आज बिना गलती के, बिना कोई वजह के आज ऐसा घटना 4-6 महीने के अंदर 2 बार क्यों हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, यही मैं नहीं समझ पा रही हूँ। ना मेरे मिस्टर की कोई गलती होती है, ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों लोग हम लोगों को देख के जलते हैं। हम अपने, मैं अपने बच्चों के, 3 बच्चों को लेके, अपने हस्बैंड को लेके, अपने गांव से, अपने घर से इतना दूर आके बसी हूँ मुंबई में, और अपने अपने बच्चों को अपने पति के साथ छोटी छोटी खुशियों में मैं खुश रहना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि मैं किसी की किसी से मैं किसी और का परवाह ना करूं, मैं किसी से मतलब ना रखूं, मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से अपने बच्चों को लेके खुश होकर जीना चाहती हूं। लेकिन नहीं, ये खुशियां बस कुछ दिनों की आती है फिर वापस चली जाती है। ऐसी किसकी नज़र लगी है, किसकी बद्दुआ लगी है, क्यों हाय हाय लोग कर रहे हैं, क्यों नहीं हमें जीने देते हैं, सुकून से चैन से रहने देते हैं लोग, क्यों हमारे पीछे हाथ धो के पड़े हैं, यही मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आखिर क्या हमने बिगाड़ा है किसी का कि हमारे पीछे हाथ धो के पड़े हैं लोग, क्यों हाय हाय करते हैं कि तुम्हारा ये बन गया, तुम्हारा वो बन गया, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, तब तो कोई नहीं पूछने आया था। आज मेरे पास मेरे हस्बैंड के खून पसीने की मेहनत से, कमाई से, भगवान की इच्छा से जो कुछ मेरे पास है, जितना भी मेरे पास है, उसमें मैं खुश होकर जीना चाहती हूँ, खुश होकर रहना चाहती हूँ, हंसना चाहती हूँ, अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। तो क्यों लोग हाय हाय कर रहे हैं, क्यों हमारे पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, यही मुझे नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन जो लोग भी, जितना लोग भी कर रहे हैं ना, इतना याद रखेंगे ना कि भगवान के घर पर देर है, अंधेर नहीं है, बस वो पलट के जवाब ज़रूर लेगा। मैं तो नहीं ले पाऊँगी, लेकिन वो देख रहा है ऊपर वाला ना, वो पलट के जवाब ज़रूर लेगा, और वो दिन दूर नहीं है, कभी ना कभी आएगा ही आएगा। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी फ्रेंड। यहाँ पे देखिए, मैंने अपने किचन का, सॉरी, मैंने अपने बेडरूम का ड्रेसिंग टेबल, साइड टेबल, कबर्ड का ड्रॉवर, ये सब मैंने क्लीन किया। और जो टीवी का यूनिट है, इसके नीचे 4 ड्रॉवर हैं, और इस हॉल में एक और साइड टेबल है, उस सब का मिला के मैंने टोटल, ये आप लोग देख सकते हैं, एक गोनी पेपर मिला है। और ये सारे फालतू पेपर मिले, बेस्ट पेपर मिले हैं, जैसे कि जब मेरा घर बना था ना, तो जो सामान मैंने ख़रीदा था, न्यू फैन, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, हेन तेन, जितना भी मेरे घर में सब सामान आए थे ना, वो सब के वारंटी पेपर, एन तेन, छोटे छोटे ऐसे ऐसे इम्पोर्टेंट मतलब पेपर थे कि आज वो रद्दी बन गए हैं, आज वो किसी काम के नहीं। तो सब कुछ मैंने साफ़ किया, क्लीन किया, और जो प्लास्टिक, जो लोखंड का था, वो मैं एक साइड रखी, और जो फेंकने लायक था, कचरे में डालने लायक था, वो मैं गोनी में भर के। और बता दूं कि बेस्ट सामान में से बहुत सारी दवाइयाँ मिली है, जो कोरोना काल में मेरे मिस्टर को चल रही थी दवाइयाँ ना, तो दवाइयाँ इतनी महंगी थी फ्रेंड की, क्या मैं बताऊँ, इतनी महंगी थी कि वो मैं फेंक नहीं पाई उस समय, मैं रख दी कि क्या पता फिर वो काम आ जाए किसी मतलब अथवा में, तो नहीं हुआ। और ये है मंदिर की सफाई, इतना मंदिर का निकला है चुन्नी जूनी पुरानी, तो वो भी फेंकना है। बाबा टिक केयर।